करती हूँ श्री विशाल गुप्ता जी, क्षेत्रीय अधिकारी NHAI उत्तराखंड, कि आप श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, माननीय मंत्री वित्त उत्तराखंड महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन करती हूँ श्री प्रदीप सिंह गोसाई जी का से कि आप जो कि परियोजना निदेशक हैं रुड़की के, श्री सुबोध उनियाल माननीय मंत्री वन उत्तराखंड सरकार, आपका स्वागत करें। निवेदन करती हूँ श्री अमरेंद्र कुमार जी, मुख्य महाप्रबंधक NHAI नई दिल्ली, कि आप माननीय सांसद राज्यसभा श्री नरेश बंसल जी का स्वागत करें। निवेदन करती हूँ श्री राजकुमार नगरवाल जी, परियोजना निदेशक नजीबाबाद, आपसे कि आप डॉक्टर कल्पना सैनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा, आपका स्वागत करें। निवेदन करती हूँ श्री पंकज कुमार मौर्य जी से, PD देहरादून, कि आप श्री गिरीश चंद्र जी, माननीय सांसद, लोकसभा जी का स्वागत करें। तालियों के साथ आप जुड़ सकते हैं मंच के साथ, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम सबकी भावनाएं मंच तक पहुंचे। निवेदन करती हूँ श्री पंकज कुमार मौर्य जी ने स्वागत किया श्री गिरीश चंद्र जी का, माननीय सांसद लोकसभा जी का, और निवेदन करती हूँ श्री प्रदीप सिंह गोसाई जी आपसे कि आप श्री मदन कौशिक जी, माननीय विधायक हरिद्वार, आपका स्वागत करें। और इसी के साथ मंचा सिंह जो हमारे अन्य अतिथि हैं, उनका स्वागत भी आप देख रहे हैं कि शॉल द्वारा उन सभी का स्वागत किया जा रहा है हम सब की ओर से। और माननीय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो एक सम्मान प्रतीक, एक आज के दिन की याद के लिए मुख्य अतिथि महोदय को निवेदन भेंट करना चाहते हैं वो प्रदान करें इस अवसर पर। ये गंगा जली आपके द्वारा उनको भेंट की जा रही है और तालियों के साथ आप लोग इस भेंट में अपना सहयोग, अपनी भावनाएं जोड़ सकते हैं। और निवेदन करती हूँ माननीय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी से कि आप स्वागत संबोधन के लिए आपको सम्मान आमंत्रित करती हूँ। ये सम्मान पत्र भेंट किया जा रहा है सर। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मध्य में भारत के ऐसे राजनेता जिनकी डिक्शनरी में कोई 9 शब्द नहीं, आप जो बताना चाहें, जितनी सड़क बताना चाहें, जितने हाईवे घोषित कराना चाहें, सबके लिए यश लाओ। और मैं बधाई देना चाहता हूं आज हमारे मध्य में आए हैं कि आप जो भूपत वाले के लोग बैठे हैं यहाँ, ये जो आज इसका उद्घाटन होना है फ्लाईओवर का, ये पहले सड़क में शामिल नहीं था। जब मुझे संतगण सब बैठे और मुझे कहा, मैंने केवल फोन पे बातचीत करके कहा जी होना जरूरी है, और आप विश्वास करेंगे तीसरे दिन फोन आ गया, जाओ हो गया, आज उसका उद्घाटन अलग से हो रहा है। मैं सबसे कहना चाहूंगा बहुत जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नितिन जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आज हमारे मध्य में उत्तराखंड के ऐसे मुख्य
जिन्होंने भारत में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करके यानी विधानसभा में पास हो गए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी माननीय मंच के विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, चूंकि समय का अभाव है, केवल इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी, आपने कृपा पूर्वक बहुत हमने जो मांगा वो हमें दिया है। यानी जो रिंग रोड असंभावित थी, जो हो नहीं सकती थी, आपके केवल एक मीटिंग पर होने से वो हमारी रिंग रोड प्रारंभ हो गई है। दूसरा फेज उसका शुरू हो रहा है। तीसरे फेज के लिए आपको निर्देश करने पड़ेंगे, जो केवल सामने जो पहाड़ यहाँ है, सुरंग बनाते हुए BHL से उसको मिलाई जाएगी, उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक हमारी रोड जो सीधी देहरादून को मिलाई जाएगी, जो आदेश जी ने अभी आपको दिया भी है, उसके लिए जरूर निवेदन करूंगा कि सैद्धांतिक सहमति हो गई थी लेकिन किसी कारण से वो रुक गई है, वो भी आप करने का कष्ट करेंगे। और हैदराबाद से इमली खेड़ा होते हुए भगवानपुर यदि वो रोड मिल जाए या न छोकर, तो फिर रुड़की की रिंग रोड भी बन जाएगी। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया पूर्वक जो आपका भाव है, मन है, जिसमें आप काम करते हैं, आप इनको भी स्वीकृति देंगे। पुणे आपका पतित पावनी हरिद्वार की धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए कि भगवान आपको दीर्घायु करे, आपको शक्ति दे कि आप इसी प्रकार से सारे भारत को जो आप चमका रहे हैं, इसी रूप में चमकाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद लोकसभा एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की गरिमामय उपस्थिति मंच को ऊर्जा प्रदान कर रही है। महोदय, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके उद्बोधन के लिए और आपकी जोरदार तालियों के साथ। बोले भारत माता की, पीछे भी गंगा मैया की। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य के क्षण है कि देवभूमि